और आज हमने निकाह को कितना मुश्किल बना रखा है, कितना मुश्किल बना रखा है। आज निकाह जो मुश्किल हो गया है, सब जिम्मेदार हैं। मुआशरे का एक एक फर्द जिम्मेदार है, मुआशरे का एक एक अमीर जिम्मेदार है, मुआशरे का एक एक मालदार जिम्मेदार है, और कहीं ना कहीं हम उलमा भी जिम्मेदार हैं। निकाह को आज जिस तरह से मुश्किल बना दिया गया है, निकाह इतना मुश्किल हो गया है कि बच्चियां वालिदैन पर बोझ बन गई हैं, बच्चियां वालिदैन पर बोझ बन गई हैं। बहुत जरूरत है इस सिलसिले में इज्तिमाई बेदारी लाने की मुआशरे में, और इस सिलसिले में कोई भी कोशिश निकाह को आसान करने की उस वक्त तक कामयाब नहीं हो सकती जब तक के मुआशरे के अमीर और मालदार साथ न दें, जब तक मुआशरे के अमीर और मालदार ये तय ना करें कि हम शादी को आसान करेंगे, निकाह को आसान करेंगे। अल्लाह ने मुझे माल दिया होगा, दौलत दी होगी और मैं खूब खर्च कर सकता हूं, लेकिन मुझे मुआशरे के गरीबों का ख्याल रखना है। वो गरीब, वो भी तो एक बाप है, उसके दिल में भी तो बेटी की मोहब्बत है, और बसा औकात मेरे दिल में मेरी बेटी की जितनी मोहब्बत है, उस गरीब बाप के दिल में बेटी की मोहब्बत उससे ज्यादा होगी। लेकिन उसे कितनी तकलीफ होती होगी जब मुझ अमीर बाप को वो देखता है कि अपनी बेटी को जब मैं दुल्हन बनाता हूं, कितना संवारता हूं, सजाता हूं, नवाजता हूं, और कितने ग्रांड से निकाह करता हूं, और वो गरीब बाप है कि ये सब कर नहीं सकता है। गरीबों के लिए आज होने वाली शादियां एक दुख दर्द का पैगाम है, एक सदमे का मंजर रखती हैं।